अच्छा आप दोहरा लीजिए इसको। तो आपने महसूस किया होगा कि इस एक्सरसाइज में हमने ये नोट किया कि पैगाम हर मरहले पे आगे बढ़ते हुए कहीं अल्फाज में और कहीं स्पिरिट में चेंज होता चला जा रहा। हमारी इस एक्सरसाइज में आज जो हुआ, ये एक्सरसाइज हमने और भी कई जगह की है, आज जो हुआ ये कि पहली मरतबा में वो इतना रिड्यूस हो गया पैगाम कि उसके अंदर चेंज आने के इम्कान काफी कम हो गए, पहली मरतबा में इतना रिड्यूस हो गया। लेकिन इसके बावजूद अल्फाज में और हरेक की अदायगी में एक तरह से फर्क पैदा होता था। और जो अहम बात आपने देखा इसमें तब्दील क्या हो गई, अगरचे पैगाम मुख्तसर होने के बावजूद उसका काफी हिस्सा दुरुस्त था, लेकिन बुनियादी तब्दीली क्या हो गई अगर आप इस पर दोबारा गैर करें, दोबारा गौर करें आप। आफ्टर 26 जो है वो तो मिस हो गया इसमें से, ये तो 26 को कर लें प्रोग्राम पे बात आ गई। अच्छा तो ये हम इसको क्या उम्मान दें कि ऐसा क्यों हुआ कि ये कोई एक्सरसाइज में प्रोग्राम जो है वो तब्दील होता चला गया, कैसे क्या कहेंगे इसका? कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी हो सकती है कि हमारी जो इनपुट है आउटपुट की कोई कमी नहीं होती है, जो इनपुट हमें मिलती है जो आउटपुट देते हैं उससे बाद में बाद रिड्यूस हो जाती है, जितना कुछ हम सीखते हैं वो दूसरों को नहीं सिखा सकते, ये इसमें एक वजह ये हो सकती है। और केयरलेस रीडिंग जी, केयरलेस रीडिंग है, ये तो पढ़ने वाली बात है कि आफ्टर किसी ने पढ़ा है या 26 पढ़ा, अगर ना पहले ही पढ़ लेके आफ्टर 26 लिखा हुआ है तो वो कहते हैं तभी जाते हैं। और कोई इजाफा करेगा इसमें? लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज पे अंग्रेजी में पढ़ के उसे उर्दू में बयान करना है। देखिए इसमें बहुत सारी वजह है जी, नेचुरली कॉपी की है, हां अगर नाम डाले अगर आप एक प्रॉपर चीज कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं किसी तरह तो सबसे पहले मोस्ट सिंपल कम से कम बैरियर, अगर आप किसी तरह कॉपी भी कर रहे हैं कोई भी मतलब प्रॉपर मैसेज हमारे बिल्कुल। देखिए ये सबसे अहम बात है, सबसे पहली बात कि मैसेज बनाने वाले ने इतना कंफ्यूजिंग मैसेज बनाया है, ये बात तो बहुत सादा तरीके पे भी कही जा सकती है ना, और मेरे ख्याल है हमारे पहले साथी ने कोशिश यही की कि इसको सादा बना दे, लेकिन ये है कि सादा बनाने का अमल तो खुद एक मेहनत का तकाजा करता है। बुनियादी बात यह है कि 21 तारीख वाला प्रोग्राम मसरूफियात की वजह से 21 को नहीं हो सकता, इसलिए 24 के बाद अभी बात ना करें, 24 के बाद बात करें, 24 को 3 बजे के बाद बात करें कि कब प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन ये बात याद रखें कि प्रोग्राम 25 को नहीं हो सकता, 26 को नहीं हो सकता, 26 के बाद किसी वक्त होगा। बेसिकली तो इसमें 3 एलिमेंट है ना, 21 को नहीं हो सकता, अभी बात करने का कोई फायदा नहीं है, 24 के बाद बात करें, और प्रोग्राम 26 के बाद हो सकता है, इसलिए मेंटली आप प्रिपेयर रहें कि हम जब तारीख तय करेंगे वो 26 के बाद। लेकिन ज़ाहिर बनाने वाले ने इसे कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। अक्सर कम्युनिकेशन के बारे में हवाले से झगड़ा इसी तरह होता है कि बनाने वाला पैगाम देने वाला वो अपने तई जो भी पैगाम जिन अल्फाज में बनाता है वो होते होते जब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथे तक पहुंचता है तो वो काफ़ी हद तक तब्दील हो जाता है। लेकिन हर आदमी ये कह रहा होता है कि दरअसल मैंने तो खुद सुना है, मुझसे उसने खुद बयान किया है, जो कुछ वो बयान कर रहा होता है बयान करने वाले के जहन में कुछ और होता है और सुनने वाला अपने जहन के मुताबिक उसे तरतीब दे रहा होता है। इसके नतीजे में दुनिया भर में कम्युनिकेशंस जो खराब होती हैं तो बाज़ औक़ात झगड़े होते हैं, झगड़े दोस्तों के दरमियान हो जाते हैं, झगड़े खानदानों में हो जाते हैं, झगड़े कबाइल में हो जाते हैं, झगड़े मुल्कों और कौमों के दरमियान हो जाते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन को अगर हम दुरुस्त कर लें, कम्युनिकेशन को हम बेहतर बना लें तो इस किस्म की किसी भी उलझन से हम बच सकते होंगे। अगर आप गौर करें तो हकीकत में आप जब सुबह 5 बजे बिस्तर से उठते हैं और रात गए बिस्तर पे पहुंचते हैं और अपनी सारे दिन की एक्सरसाइज को आप अगर एनालाइज करना चाहें तो
आपको मालूम ये होगा कि ये सारा दिन आपका कम्युनिकेशन ही में गुजरा है, या आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं अपने आप से। सुबह उठ के आपकी अपने आप से कम्युनिकेशन ये होती है कि मैंने दिन में क्या करना है, आज मुझे किस तरह के कपड़े पहनने हैं, आपकी अपनी कम्युनिकेशन, आज मैंने किससे मिलना है, कहाँ जाना है, किस वक्त पहुँचना है, एक कम्युनिकेशन की नौइयत ये आपकी अपने आप से होती है। और अपने आप से कम्युनिकेशन के साथ साथ आप जहां भी होते हैं अपने कुलीग्स के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पे आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, दूसरों के साथ आप मार्केट में जाते हैं वहां कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। जितना आप गौर करेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि आप किसी न किसी दर्जे में कम्युनिकेशन में मुब्तला है। ये रिफ्लेक्टिंग का लफ्ज मैंने लिखा, किसी वक्त आप गौर कर रहे होते हैं जो अपने माजी के बारे में होता है कि आपने फुलां के साथ जो गुफ्तगू की उसमें जरा गलती हो गई थी आपसे, आप इंटरव्यू देने गए उस इंटरव्यू में आपसे गलती हो गई, क्लास में आपसे कोई सवाल किया गया था यार मुझे पता नहीं क्यों उस वक्त ऐसी गलती मुझसे हो गई, हालांकि मैं तो ये एग्जाम में आप बैठते हैं तो ये आप रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं अपने बारे में कि मुझे उस मौके पे क्या करना चाहिए था, मैंने क्या किया। और या फिर आप अल्लाह के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, कभी दुआ की सूरत में कर रहे होते हैं, कभी तौबा की सूरत में कर रहे होते हैं, यानी कम्युनिकेशन जिंदगी के हर मैदान में एक तरह से आपको इन्वॉल्व रखती है और आप उससे बच नहीं सकते। इस तनाजुर में कम्युनिकेशन को तवज्जो देना बेहद अहम है हर इंसान के लिए। और जैसा कि डॉक्टर मुमताज साहब शुरू में कह रहे थे, डॉक्टर्स या डॉक्टर्स बनने जाने वालों के लिए तो ये बहुत ही अहम है, क्योंकि जिन मरीजों के साथ उनको रोजाना, उनका तो काम ही कम्युनिकेशन है। और आप इस वक्त बहुत सी यानी बीमारियों के असबाब भी पढ़ेंगे और बीमारियों के लिए दवाएं भी आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन हकीकत में तजुर्बा आपको ये बताएगा कि मरीज के लिए सबसे ज्यादा अहम यह है कि डॉक्टर्स ने उसके साथ कम्युनिकेट कैसे किया। डॉक्टर की कम्युनिकेशन उसके जहन को वो कुव्वत बख्शती है कि जिस कुव्वत के नतीजे में उसकी अंदरूनी कुव्वत मुदाफियत जो है वो जिंदा हो जाती है और वो उसको ताकत देती है और दवाइयां उस पर असरअंदाज होने लगती है। तो इस एतबार से डॉक्टर का काम बज़ाहिर तो दवा देना है, बज़ाहिर तो बीमारी की तशखीस करके दवा देना है, लेकिन दर हकीकत डॉक्टर का काम यह है कि वो उसके अंदर जो कुव्वत मुदाफियत मौजूद है उस कुव्वत मुदाफियत को वो जिंदा कर दे, उसको यानी ताकतवर और बना दे। उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने जो जिस्मानी निज़ाम रखा है वो खुद ही एक तरह से बीमारी के लिए उसे बीमारी का मुकाबला करने के लिए काबिल बना देता है। तो इस एतबार से डॉक्टर्स के लिए तो ये नहायत ज़रूरी है। इसके साथ साथ ये चंद चीज़ें आप सिर्फ दोहरा लीजिए, इसमें हम ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर्स आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस यू अबाउट देयर्स। The way you speak can communicate how you are feeling. Good communication includes being able to express one's feelings, wants and needs without using words. ये बड़ी अहम बात है without using words. इसकी जानिब एक इशारा तो हमने पहले किया अभी आपको कि जब आपने कोई अंग्रेजी पढ़ी जिसमें हर लफ्ज की स्पेलिंग गलत थी तो इसके बावजूद आप उसको समझने में कामयाब थे, तो ये एक नौइयत है कि thoughts are important. इसी तरह थॉट्स का जो एक्सप्रेशन है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उसे कैसे करें। और इस ज़मीन में शायद आपने सुना हो, बॉडी लैंग्वेज का जिक्र तो आपने सुना है कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप जितना ज्यादा माहिर अपने आप को बनाते चले जाएंगे आपके लिए उतना ही मुमकिन होगा कि आप अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकें। और इसमें जो बात बड़ी अहम है वो ये कि कम्युनिकेशन में ये बॉडी लैंग्वेज जो है इसका रोल अल्फाज से बहुत ज़्यादा होता है। आपने देखा यहाँ हमने लिखा है कि 75% बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा होता है, तो बाकी 25% इसमें से भी टोन जो है, आपका लबो लहजा, आप किस अंदाज में बात करते हैं,
ये बताते होते बहुत बड़ा हिस्सा ले लेते हैं और आखिर में जो अल्फाज हैं इनकी अहमियत 10% से ज्यादा नहीं है। ये लबो लहजे वाली बात भी बैठ जाओ, एक ये बैठ जाने को कहा जा रहा है ना, बैठ जाओ, खड़े क्यों, यानी बैठ खड़े क्यों हो कहे बगैर इसमें बात मौजूद है, बैठ जाओ। लेकिन ये बैठ जाओ दो लबो लहजे के नतीजे में इसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। तो इस एतबार से अल्फाज की अहमियत और बॉडी लैंग्वेज की अहमियत, इन दोनों में बड़ा फर्क है। और अच्छे लीडर्स जो हैं उनकी चंद खूबियों में से एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि वो बॉडी लैंग्वेज को समझते भी हैं और बॉडी लैंग्वेज को इस्तेमाल करना भी जानते हैं। दूसरों की बॉडी लैंग्वेज से भी मैसेज ले सकते हैं और अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी वो पैगाम दे सकते हैं। चुनांचे इस बॉडी लैंग्वेज में भी अहम तरीन चीज क्या है, आई कॉन्टेक्ट। आंखें जो है ना वो इतना कुछ बोलती हैं, इंसानों की आंखें इतना कुछ बोलती हैं कि आप किसी और चीज पे भी तवज्जो ना दें तो आप उससे दूसरे की जहन में आने वाले ख्यालात का अंदाजा कर सकते हैं। और बॉडी लैंग्वेज में आई कॉन्टेक्ट के साथ दूसरी अहम चीज है फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी पोस्चर एंड मूवमेंट और जेस्चर्स। इसी तरह से आप देख रहे हैं ना जेस्चर्स में इन दोनों में फर्क है ना, ये जो गर्म जोशी है ये है तो दोनों हैंडशेक करने का है। लेकिन एक में गर्म जोशी जो है वो इतनी खुल के नजर आ रही है और दूसरे में आप एक मारे बांधे, चूंकि आपको पता है कि वे हाथ आगे आ गया तो आप ऐसे, तो ये फिजिकल जेस्चर्स हैं, इसके साथ साथ डिस्टेंस है। लेकिन मेरा ख्याल है हम इसकी तफसील में थोड़ा सा चले जाएं तो अच्छा है। आई कॉन्टेक्ट जैसे कि मैंने कहा मोस्ट पावरफुल पार्ट है बॉडी लैंग्वेज। लेकिन इसमें बड़ी अहम बात यह है कि अगर आप मुसलसल किसी की आंखों में देखते रहेंगे और फिर बात करना चाहेंगे तो थोड़ी देर में वो परेशान हो जाए, तो ना ये ओवरडू होना चाहिए और ये ना अंडर प्ले होना चाहिए, इसमें बैलेंस होना चाहिए। ये बैलेंस कि जिसके नतीजे में आप मुसलसल उसकी तवज्जो अपनी जानब मबजूल रखने में कामयाब, ओवरडू करेंगे तो परेशान हो जाएगा वो, और अगर आप अंडर प्ले कर रहे होंगे तो उसको ये लगेगा कि मेरी बात में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो हकीकत में ये जो अंडर डन करना है, अंडर प्ले करना है, ये तो बहुत ही नेगेटिव सिग्नल है। ये नेगेटिव सिग्नल ये है कि या तो आपका कोई दिलचस्पी नहीं है इस पूरे मौजू में, मसलन आप में से इस वक्त अगर कोई ऐसा हो जिसकी निगाह मेरी जानिब आ ही नहीं रही है तो मुझे ये समझ लेना चाहिए कि वो तो इस प्रोग्राम में कोई दिलचस्पी नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो मुसलसल मेरी जानिब देख रहा हो तो मैं इस नतीजे में पहुंच जाऊं कि इसकी आंखें बेशक मेरी जानिब है लेकिन दरअसल तो इसका दिमाग कहीं और है। ये चीज मुझे समझने के काबिल होना चाहिए ताकि मैं उसके मुताबिक अपनी गुफ्तगू को प्लान कर सकूं। लेकिन अगर मुझे ये समझ नहीं है और मैं इस आई कॉन्टेक्ट को इस्तेमाल, या आप नहीं कर रहे इस आई कॉन्टेक्ट को इस्तेमाल, इसीलिए आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात क्लास में ऐसा होता है कि आप दिलचस्पी नहीं ले रहे होते लेकिन आप इसके बावजूद टीचर को ये एहसास दिलाने के लिए कि नहीं आप दिलचस्पी ले रहे हैं, आप ऑफ एंड ऑन उसकी जानिब देख रहे होते हैं और आंखों से देखने के साथ साथ ऐसे गर्दन हिला के आप बजाय जेस्चर भी दे रहे होते हैं कि यू नो जो बात हो रही है। तो ये बॉडी लैंग्वेज इसमें बड़ी अहम है। या ये कि अगर आप अंडर प्ले कर रहे हैं तो यू आर ट्राइंग टू हाइड समथिंग, जब कोई आदमी कोई कोई बात छुपा रहा होता है ना तो वो आंखें नहीं मिलाता। ये आप देखिएगा, आप अपने बड़ों से जब कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं आपको मालूम है कि जिस वक्त आप कोई बात छुपाना चाहेंगे तो आप कम से कम आई कॉन्टेक्ट करेंगे। इसी तरह से या ये कि इसके नतीजे में बाज़ोकात शर्म की वजह भी होती है, फेस फेशियल एक्सपीरियंस, फेस इज लाइक एन ओपन बुक, एवरीबडी कैन रीड इट। इस फेस पे स्माइल ये कम्युनिकेशन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
हमें तो हदीस में भी बताया गया कि अपने भाई को देखकर मुस्कुरा देना भी सदका है। तो ये मुस्कुराहट जो आपके चेहरे पे है, ये दूसरे का मजाक उड़ाने वाली नहीं होनी चाहिए कि आदमी को लगे कि मेरी किसी चीज को देख के हंस रहा, बल्कि मुस्कुराहट ये पैगाम देने वाली होनी चाहिए कि मुझे आपको देख के खुशी हुई है, मेरे दिल में आपके लिए बेहद मिलने का इश्तियाक था और इस वक्त आपकी और हमारी जो मुलाकात हो रही है इससे मुझे बेहद खुशी हुई है। ये स्माइल जो है, ये मुस्कुराहट जो है, ये आपको, और दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो स्ट्रेस में मुब्तला ना हो, कोई आदमी ऐसा नहीं जो स्ट्रेस में मुब्तला ना हो, या उसको किसी किसी वक्त जो है वो स्ट्रेस का सामना ना करना पड़ सकता हो, लेकिन अगर ये स्ट्रेस आपके चेहरे से झलक रहा है तो आपकी कम्युनिकेशन खुशगवार नहीं होगी। आप जिस वक्त किसी के साथ रब्ता कर रहे हैं, जिस वक्त किसी के साथ आप मिल रहे हैं, तो उस रब्ते को खुशगवार और इफेक्टिव बनाने के लिए जरूरी है कि आपके चेहरे पे वो तनाव की कैफियत नजर ना आ रही हो, और ये समझ लीजिए कि ये आपकी पूरी पर्सनैलिटी को मुतासर करती है। कम्युनिकेशन में एक और बात भी समझने की जरूरत है जिसे इस वक्त हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे हमने अभी वो पैगाम देखा था, वो पैगाम के जो आपकी एक्सरसाइज में नजर आया कि उसे पैगाम बनाने वाले ने कंफ्यूज पैगाम बनाने की कोशिश की। होता यह है कि जो बात हमने अभी डिस्कस की कि इंसान में तजस्सुस है, इंसान जानने का ख्वाहिशमंद है, और दूसरी जानिब यह कि इंसान बताने का भी ख्वाहिशमंद है। इसने इंसानी जिंदगी में एक बड़ा अहम डेवलपमेंट ये किया है कि पहले तो जबान ईजाद हुई, जबान, लोग किस तरह आपस में बातचीत करें, और ये जबान का आगाज भी यूं है कि पहले लिखने के औजार तो नहीं थे ना, तो जमीन पे तस्वीर बना के अपने थॉट को, अपनी ख्वाहिश को, अपनी बात जो बयान करना चाहता है इंसान ने तस्वीरें जमीन पे बना के एक दूसरे के साथ ये बातचीत करने का अमल शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता आप जानते हैं कि दुनिया में कई हजार जबानें बोली जाती हैं। ये जबानें इसीलिए हैं कि लोग एक दूसरे के साथ रابطہ करें, लेकिन ये जो रابطہ करने का अमल है एक दूसरे के साथ, और दूसरी जानिब इंसानों की ये ख्वाहिश कि वो जाने और बयान करें, और कल वाली गुफ्तगू अगर आपके जहन में हो तो हर इंसान की ये ख्वाहिश के दूसरे उसकी बात माने, इन सब चीजों ने मिलकर कम्युनिकेशन के मैदान में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट वो की है जिसे आज हम मीडिया के नाम से जानते हैं। इसमें शुरू में तो हाथ से लिखा जाता था कागज पे, उसके बाद प्रिंटिंग का अमल शुरू हो गया, प्रिंटिंग प्रेस आप जानते हैं, उसके बाद लोगों ने ये महसूस किया कि जो प्रिंट करते हैं हम, ये हजारों अल्फाज लोगों के लिए पढ़ना जाहिर है कुछ लोगों के लिए मुमकिन होता है, बेशुमार लोगों के लिए मुमकिन नहीं होता, तस्वीर उसके मुकाबले में बहुत कुछ बताती है। तो आपने देखा कि तस्वीर आ गई, फिर तस्वीर जो है वो वीडियो में कन्वर्ट हो गई, फिल्म बन गई, और उसके बाद ये दौड़ आपस में शुरू हुई कि ये तस्वीर भी बन जाती है, ये वीडियो भी मौजूद है, लेकिन वो जो हमने मिसाल दी थी कि यहाँ झगड़े की आवाज आए तो जो सबसे पहला आदमी दाखिल होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना, कि उससे आपको पता चल रहा है कि क्या चीज है। तो इंसानों में ये दौड़ शुरू हुई कि अच्छा इंफॉर्मेशन मेरे पास भी है, इंफॉर्मेशन इनके पास भी है, इंफॉर्मेशन इनके पास भी है, सारे लोग सुनना चाहते हैं, और सुनने के नतीजे में यकीन करने लगते हैं, और यकीन करने के नतीजे में मेरे पीछे चल पड़ते हैं। तो इस एतबार से अगर सबसे पहले खबर देने वाला मैं होऊंगा तो इसकी तो बड़ी अहमियत हो जाएगी। तो अब आज आप अगर देखेंगे तो टेलीविजन जब आप देखते हैं तो ब्रेकिंग न्यूज के उनवान से मालूम ये होता है कि फलां की मुर्गी चोरी हो गई, अब वो भी ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर आने लगा, इसलिए कि ये दौड़ है, यानी सारे चैनल्स ये कोशिश कर रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन लोग जानना चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन सबसे पहले वो दें, और जब वो सबसे पहले देंगे तो उनका ख्याल ये है कि लोग उनकी जानिब ज्यादा रुजू करेंगे, उसके नतीजे में उनकी बात ज्यादा मान। चुनाचे एक तो कम्युनिकेशन का वो मैदान है जिसपे हमें भी चंद मिनट पहले बात कर रहे थे, जो वन ऑन वन कम्युनिकेशन की बात,
लेकिन होता यह है कि कश्मकश के मैदान में, लीडरशिप के हुसूल के मैदान में, मुकाबले के मैदान में फिर लोग कोशिश ये करते हैं कि कम्युनिकेशन के उन जराए पे उनका कंट्रोल हो जाए जो एक तरह से मैस लेवल पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। चुनांचे आज की दुनिया को अगर आप देखें तो आज की दुनिया में जो लीडरशिप जिन लोगों के पास है, उन्होंने दरअसल उस लीडरशिप के हासिल करने में ये कामयाबी इस वजह से हासिल की है कि उन्होंने मैस मीडिया, एक तो नॉलेज में आगे हैं वो, फिर नॉलेज में आगे होने के साथ साथ उन्होंने इस मैस मीडिया में भी एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है कि वो दूसरों से बहुत आगे हैं, वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में और उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने में। इस एतबार से जो कश्मकश के मैदान में जहां हम खड़े हैं, हमसे मुराद हम पाकिस्तान को ले लें, हमसे मुराद हम मुसलमानों को ले लें, हम जहां खड़े हैं तो उस मैदान में ये मैस मीडिया का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो किस तरह से जहनों को मुतासर करे, किस तरह से जहनों को इन्फ्लुएंस करे और अपने पीछे चलाने में कामयाब। चुनाचे देखिए, ये एक स्टेटमेंट है जो आपके सामने है, इस्लामाबाद में हर 10वां शहरी एलर्जी का मरीज है। क्या इसको हम किसी और तरह से भी कह सकते हैं इसी स्टेटमेंट को? आइए, इस्लामाबाद में एलर्जी आम है, इस्लामाबाद में एलर्जी 10% है और कई तरीके हो सकते हैं, हम चंद एक लेते हैं। हर 10 में से एक शहरी एलर्जी का मरीज है, 10% लोग एलर्जी का शिकार है जैसा कि आपने कहा, 90% लोग एलर्जी से महफूज है। दोनों में कोई फर्क हो गया? क्या फर्क हो गया? फर्क पड़ गया ना, 10 लाख आबादी में से 1 लाख लोग एलर्जी का शिकार है। एलर्जी के शिकार लोगों और एलर्जी से महफूज लोगों में 1 और 9 का तनासुब है। एलर्जी के मरीजों की तादाद 1 लाख है, 10वां हिस्सा आबादी का जो है वो एलर्जी का शिकार है। और अगर इस्लामाबाद में 1 लाख घर हो तो आप क्या कह सकते हैं औसतन, सॉरी 2 लाख नहीं, इस्लामाबाद में औसतन हर घर में एलर्जी का मरीज मौजूद है। अगर मरीजों की तादाद 1 लाख तक पहुंच गई, ये मैंने चंद मिसालें आपको दी जो आप खुद भी समझ रहे हैं कि फिर मैस मीडिया जब कश्मकश के मैदान में दाखिल होता है, और कश्मकश जान लीजिए कि वो लीडरशिप की है कि दुनिया को कौन लीड करे, तो उसमें ये एक बहुत बड़ा टूल उसके पास है कि लोगों को इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाई जाए। और ये इंफॉर्मेशन जो है, ये जब आपको कहा जाता है कि 90% लोग एलर्जी से महफूज हैं, तो ये एक दूसरा मैसेज आपके दिमाग को मिलता है। और जब ये कहा जाता है कि हर 10वां आदमी, हर 10 में से 1 आदमी, तो ये आपको एक खौफ में मुब्तला करने वाली बात है। ये इंसानों के दरमियान कश्मकश के मैदान में मीडिया इतना अहम रोल प्ले कर रहा है, और मीडिया बेसिकली कम्युनिकेशन का एक जरिया है। अगर हम इस बात को समझ लें तो फिर हमारे लिए इसका मुकाबला करना आसान हो जाता है, और अपने आप स्किल्स हासिल करना भी इसके हवाले से आसान हो जाता है। लेकिन एक दो और चीजें इस हवाले से पेश करके फिर हम सवाल जवाब की तरफ चले जाएंगे। ये आप लोगों ने देखी हुई तो नहीं पहले, सब ने देखी हुई, इसलिए हम इसको ड्रॉप कर देते हैं। अगर किसी ने नहीं देखी हुई तो बाद में लोगों से पूछ। इसी तरह देख लें आप, ये जरा सा छोटा छोटा लिखा हुआ है लेकिन हम इसे पढ़ भी लेते हैं। ये जो लेडर है,
इसमें सबसे नीचे हमने अभी ये लिखा है कि ऑब्जर्वेबल डेटा एंड एक्सपीरियंस। होता ये है कि इंसानों के साथ आप जहां भी हैं, जैसे इस वक्त आप यहां बैठे हैं, तो आपके इर्द गिर्द कुछ ऑब्जर्वेबल डेटा ये देख रहे हैं आप। वैसे इस वक्त उस जानिब देखे बगैर अगर आप ये बता सके उस जानिब देखे बगैर कि वहां क्या क्या है, तो आप इसे कौन कौन बताएगा कि उस दीवार पे क्या क्या चीज।